कंटिन्यूएशन लेसन नंबर 6 पेज नंबर 36 फ्रॉम द बिगिनिंग लेसन नंबर 6 पेज नंबर 36 फ्रॉम द बिगिनिंग इन हिज सेकंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगन द रिसर्च that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. Second year mein, Ebright apna parikshan jari rakha. The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? Monarch pupa ka upar 12 tiny gold spots dikhai diya. Wo janna cha raha tha. Ye hai kya? Ye kis liye? Everyone assumed the spots were just ornamental, Ebright said. सबने ये सोचा उसके शरीर का डेकोरेशन देखने के लिए सुंदर दिखने के लिए तो ये होगा. But Dr. Urquhart did not believe it. लेकिन Urquhart उसको नहीं माना. To find the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. इसका जवाब पाने के लिए Ebright और अपना एक दूसरा intelligent science student मिलकर एक device बनाया. Device means machine. जिसके द्वारा ये स्पोर्ट का क्या मतलब है क्या है ये जानने का पढ़ाई जारी रखा और आखिरी में पता पड़ गया ये जो स्पोर्ट से कोई हार्मोन उत्पन्न करता है तो वो हार्मोन बटरफ्लाई का पूरा डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. पहले जो आइडिया लगा रखा था ये तो डेकोरेटेड है, ऑर्नामेंटल है, सजावट के लिए है, लेकिन बाद में ये पता पड़ गया कि उस स्पोर्ट से कोई हार्मोन उत्पन्न करता है वो बटरफ्लाई का पूरा डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. दिस प्रोजेक्ट वन Ebright फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इन टू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. ये जो आविष्कार है उसको काउंटी फेयर में फर्स्ट प्लेस मिला और इंटरनेशनल लेवल में उसको जाने का मौका भी दिया. There he won third place for zoology. International level में वो third place लाया zoology में. Zoology जिसे हम कहते हैं original pronunciation zoology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. और summer vacation में उन्हें entomology laboratory में काम करने का मौका मिल गया. Entomology means study of insects. वहाँ पर research करने का मौका भी मिल गया. As a high school junior, रिचर्ड Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. उसने अपना जो खोज जारी रखा. That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. Entomology laboratory में काम करने की वजह से उन्हें अपने एक्सपीरियंस सही तरीके से आगे बढ़ाने का मौका मिला. इंटरनेशनल फेयर में पहले थर्ड स्थान लाया था लेकिन अभी उनको फर्स्ट प्लेस मिला और जिसकी वजह से उसको दोबारा एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में प्रवेश करके और
पढ़ने के लिए, मीन्स वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर में दोबारा काम करने का मौका मिला। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट ए स्टेप फर्दर, जब सीनियर लेवल में आया तो उसका जो खोज और आगे बढ़ा। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स बींग इन ए कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इन टू नॉर्मल बटरफ्लाई, नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल ओनली इफ दे वेर फेड द हॉर्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। वहाँ पर उसने ही ग्रू सेल्स, वो सेल को पैदा करने का कोशिश किया फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग। मोनार्क तो पहले बताया था, इन ए कल्चर, कल्चर ने परीक्षण इधर का मतलब, एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल only if they are fed the hormone from the gold spot। वहाँ से उन्होंने ये सीखा, ये सेल डिवाइड होगा फिर डेवलप होगा इंटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल, वो बटरफ्लाई विंग स्केल में बदलेगा। विंग के अंदर जो कवरिंग होता है, स्केल्स होते हैं, शेल्क होता है, तो उसको ये हॉर्मोन दिया जाए तो इस तरह से नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल का रूप में वो बदल जाएगा। द प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, इसी को भी इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट प्लेस मिला। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उसका जो जिज्ञासा देकर आर्मी लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट वालों ने उसको दोबारा जाने का मौका दिया, समर में हो गया, और उसके अलावा US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी उसको परीक्षण करने का मौका मिला। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फ्रेशमैन मीन्स फ्रेशर भी कहते, ये स्कूल लेवल में बताते नहीं, कॉलेज लेवल में जाते समय जो फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट आता है तो उसको कहते हैं फ्रेशर। कॉलेज लेवल में जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट को फ्रेशर कहते हैं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का फ्रेशमैन ईयर पूरा करने के बाद अब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हॉर्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। वहाँ से वो इंटरनेशनल US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में चला गया, वहाँ पर उस गोल्ड स्पॉट से उत्पन्न होने वाला हार्मोन के बारे में दोबारा जांच जारी रखा। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। वहाँ के जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से परीक्षण किया, जो एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट को कहते सोफिस्टिकेटेड, ज़्यादा विकसित जो मशीन्स होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होता है, उससे पढ़ाई करने से, उससे निरीक्षण करने से ये हॉर्मोन्स के सारे हिसाब किताब जानने का मौका मिला। ये ईयर एंड ए हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर एब्राइट गोट द आइडिया फॉर हिज न्यू थियोरी अबाउट सेल लाइफ। डेढ़ साल के बाद वो सेल लाइफ के बारे में थियोरी तैयार किया। It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. X-ray photograph करके उसको सही तरीके से पढ़ने का एक तरीका अपना के सेल के बारे में ज़्यादा जानकारी लिया, वो किस तरह से जीवन में काम आ जाता है इसके बारे में परीक्षण किया। When he saw those photos, Abright did not shout, Eureka! उस फोटोग्राफ में देखे वो एकदम आश्चर्यचकित होकर ऐसा चिल्लाए नहीं कि बस यूरेका यूरेका, यूरेका मीन्स सक्सेस, और इवन आई हैव गॉट इट, ये भी नहीं चिल्लाया हाँ मिल गया मुझे मिल गया,
ऐसा भी नहीं है. बट ही बिलीव्ड दैट अलोंग विथ हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हॉर्मोन्स द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल. इसके बारे में ज़्यादा पढ़ाई करने से उस फोटो में से उनको पता पड़ गया कि जो सवाल उस बायोलॉजी के बारे में उसका मन में था उसका जवाब ही उन्हें मिला. एंड वो जवाब दीजिए, हाउ द सेल कैन रीड एंड ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. ये सेल को कैसा रीड किया जाए और उसका डीएनए में कैसा डिज़ाइन किया जाता है. ब्लू प्रिंट मीन्स डिज़ाइन करना. डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी. डीएनए वही चीज़ है जो परंपरागत तरीका से जो रिलेशन है, कनेक्शन है, उसको बताते. इट डिटरमिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल. डीएनए के द्वारा सेल का फंक्शन कैसा है, ये कैसा रूप बन जाता है, उसके बारे में जानकारी देता है. दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ. इसलिए कहता है द डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ. यही जीवन का डिज़ाइन है, ब्लूप्रिंट है. हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए, अंडरलाइन करके रख दो. मुझे मालूम है लेसन बोरिंग है, इसलिए आगे नहीं पढ़ा रहे अभी. द रेस्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. सो लेट अस स्टॉप हियर. ओके.